बता दें कर्नाटक में एक चरण में विधानसभा का चुनाव होगा, 10 मई को चुनाव होना है। इसके अलावा 13 मई को चुनाव के नतीजों का ऐलान होगा। अगर हम साल 2018 की बात करें तब भी कर्नाटक में एक चरण में चुनाव हुआ था, 224 विधानसभा सीटें हैं। और चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी जिसमें मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने बड़ी बातें कही। एक तो 10 मई को एक चरण में कर्नाटक में विधानसभा चुनाव होगा, जो सस्पेंस बना हुआ था कर्नाटक विधानसभा चुनाव की तारीखों को लेकर के उस पर से पर्दा अब उठ चुका है। और 10 मई को वोटिंग के बाद 13 मई को नतीजे भी आएंगे। इस बार कोशिश ये की गई है चुनाव आयोग की तरफ से कि जो बुजुर्ग वोटर है यानी कि जिनकी उम्र 80 साल से ज्यादा है, वो सुविधा उनको दी गई है कि वो घर बैठकर वोट कास्ट कर पाएंगे। ज्यादा से ज्यादा युवा वोटर जुड़े, ये चुनाव आयोग की कोशिश है। और इसमें जिन लोगों ने 1 अप्रैल को 18 साल की उम्र पार की है, 18 साल की वो हो गए हैं, वो भी चुनावी प्रक्रिया में हिस्सा ले पाएंगे। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं कर्नाटक विधानसभा चुनाव से जुड़ी हुई, जिसमें 10 मई को कर्नाटक विधानसभा की वोटिंग होगी, उसके अलावा 13 मई को चुनावी नतीजे भी आएंगे। 224 विधानसभा सीटें जिसमें हम देखें कि मामला त्रिकोणीय है, क्योंकि बीजेपी बड़ी पार्टी, इसके अलावा कांग्रेस और जेडीएस, लेकिन आम आदमी पार्टी ने जिस तरीके से पंजाब में यहाँ पर जीत हासिल की, दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सत्ता है और अब वो कर्नाटक में भी अपने उम्मीदवारों को उतारने का ऐलान कर चुकी है। हालांकि बीजेपी की तरफ से अभी पहली लिस्ट नहीं आई है और आमतौर पर जो ट्रेंड देखा गया है कि जब चुनाव की तारीखों का ऐलान होता है उसके बाद लिस्ट आती है। लेकिन अगर हम देखें कि पीएम मोदी जो बार बार कह रहे हैं कि बीजेपी तेरा कमल खिलेगा, इस बार लोग ये कह रहे हैं और वो कर्नाटक को देश की राजनीति में विकास का ड्राइविंग फोर्स बनाना चाहते हैं, जबकि कांग्रेस पर वो ये कहकर हमला बोल रहे हैं कि कांग्रेस एटीएम मशीन बना रखा है कर्नाटक को, जिसमें वो नेताओं की तिजोरियां भरती है। और बहुत सारे फैक्टर्स हैं कर्नाटक में, भ्रष्टाचार एक बड़ा मुद्दा है, इसके अलावा सांप्रदायिक तनाव, महाराष्ट्र से सीमा विवाद, बहुत सारे मुद्दे हैं। क्योंकि अगर हम देखें तो जो भी राज्य होता है उसमें राज्य के मुद्दे हावी रहते हैं, केंद्र के अलग मुद्दे होते हैं, लेकिन जो ये इस बार का चुनाव है आपको इस तरीके से इसको देख सकते हैं कि 2024 की बड़ी तस्वीर कर्नाटक विधानसभा चुनाव के नतीजों के जरिए भी साफ होगी, क्योंकि कर्नाटक दक्षिण का ऐसा दुर्ग जिसमें बीजेपी एक बार फिर से वापसी करना चाहेगी। हालांकि बीजेपी को बहुमत नहीं मिला, अगर हम देखें तो बहुत ही नाटकीय अंदाज में हम देखते हैं कि 2018 में जैसे येदियुरप्पा को पहले गवर्नर बुलाते हैं और उसके बाद फिर वो जेडीएस और कांग्रेस का गठबंधन होता है, सरकार बन जाती है, लेकिन फिर से बीजेपी की वापसी होती है। यतेंद्र मेरे सहयोगी मेरे साथ बने हुए हैं। यतेंद्र, एक चरण में चुनाव होगा, पर्दा उठ चुका है, सस्पेंस खत्म हो चुका है, 10 मई को वोटिंग, 13 मई को नतीजे। यतेंद्र, आप तक आवाज पहुंच रही है? देखिए बिल्कुल बिल्कुल पर्दा उठ चुका है, चुनाव आयोग ने तारीख का ऐलान कर दिया है, एक चरण में चुनाव होगा। पहले भी पिछले बार की चुनाव की बात करें तो पिछले बार भी एक ही चरण में चुनाव हुआ था, उसी पार्टी का पालन एक बार फिर से चुनाव आयोग ने किया और 13 मई को तस्वीर साफ हो जाएगी कि किसकी सरकार बनेगी। बीजेपी नेताओं से हमारी बातचीत हुई, उनका दावा है कि एक बार फिर से उनकी सरकार प्रचंड बहुमत के साथ आएगी। कुछ देर पहले ही हमने जो कर्नाटक के प्रभारी हैं अरुण सिंह, उनसे बात की, उन्होंने साफ तौर पर दावा किया कि जो कांग्रेस आरोप लगा रही है वो बेबुनियाद है और प्रधानमंत्री मोदी और मुख्यमंत्री बोम्मई के नेतृत्व में कर्नाटक में काफी काम हुआ है, विकास के कई आयाम कर्नाटक में छुए गए हैं, तो उनका फायदा वहां पर बीजेपी को मिलेगा। जब हमने उनसे पूछा कि क्या बोम्मई ही चेहरा होंगे या उसमें किसी भी तरह का फेरबदल होगा, तो उन्होंने उस आशंका से इनकार किया कि साफ कहा कि बोम्मई के ही नेतृत्व में और प्रधानमंत्री के नेतृत्व में ये चुनाव लड़ा जाएगा और येदियुरप्पा को प्रमुखता के साथ जगह दी गई है, उनके हर विषय में उनकी राय मशवरा उनसे किया जा रहा है। तो जो आरोप या जो जिस तरह की बातें कही जा रही है कि बीजेपी में मनमुटाव है, वो इस चुनाव में कहीं दिखाई नहीं देगा और बीजेपी का चुनाव प्रचार पहले से ही शुरू हो चुका है और अब आने वाले समय में प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के बड़े कार्यक्रम, बड़ी रैलियां, बड़ी जनसभा जल्दी ही आयोजित कर्नाटक में किए जाएंगे। जी बिल्कुल, तो यहाँ पर इस वक्त की सबसे बड़ी खबर न्यूज 18 इंडिया पर हम आपको बता रहे हैं, कर्नाटक विधानसभा की चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है, एक चरण में चुनाव होंगी, 10 मई को यहाँ पर वोटिंग होगी, इसके अलावा 13 मई को नतीजे आएंगे। 2018 की बात करें तो तब भी एक ही चरण में चुनाव हुआ था, दरअसल 24 मई को कर्नाटक विधानसभा का कार्यकाल पूरा हो रहा है, उससे पहले ये पूरी प्रक्रिया हो जाएगी। खास बातें हैं क्योंकि इस बार 240 मॉडल चुनाव केंद्र बनाए जाएंगे, ग्रीन केंद्र बनाए जाएंगे, यानी कि खास बातों का ख्याल रखा गया है और
वोटरों को कैसे आकर्षित करना है, वोटर कैसे घर तक पोलिंग बूथ तक आए, क्योंकि लोकतंत्र की यही खूबसूरती है कि सबसे बड़े पर में अपनी भागीदारी निभाए, और युवाओं को कैसे आकर्षित किया जाए इसके लिए भी जिम्मेदारी यहाँ पर अधिकारियों को सौंपी गई है। अगर हम देखें, क्योंकि कर्नाटक की अगर हम राजनीति को बेहद करीब से देखें तो तीन इसमें दल हैं जो हावी रहे हैं, जिसमें कांग्रेस की अगर हम बात करें। अब आप इसको इस तरीके से देखिए, ये जानना भी बेहद दिलचस्प हो जाता है, क्योंकि जो 2018 के नतीजे आए थे जिसमें वोटिंग परसेंटेज तो कांग्रेस का बीजेपी से ज्यादा था, लगभग 38% वोटिंग परसेंटेज था और बीजेपी का 36% था, लेकिन सीटें बीजेपी को ज्यादा मिली। बीजेपी 104 पर आकर सिमट गई। इसके अलावा कांग्रेस 80 पर सिमट गई, जबकि जेडीएस जो कि 37 सीटों पर सिमट गई, लेकिन जेडीएस किंग मेकर की भूमिका यहां पर निभा सकती है, क्योंकि कर्नाटक में जो ये मिशन दक्षिण है बीजेपी का, इसमें 2024 की तस्वीर तो साफ होगी। हालांकि इसे आप सेमीफाइनल कहिए, कोई भी मुकाबला कहिए, लेकिन बीजेपी हर बार ये साफ कर देती है कि वो हर मुकाबले को नए तरीके से देखती है, हर चुनाव नया होता है। और अगर हम देखें तो जो क्षेत्रीय मुद्दे होते हैं वो किसी भी विधानसभा चुनाव में हावी होते हैं। तो इस वक्त की सबसे बड़ी खबर जो हम आपको बता रहे हैं कि कर्नाटक विधानसभा चुनावों की तारीखों का ऐलान हो चुका है। साल 2018 की तरह एक चरण में यहां पर चुनाव होंगे। 10 मई को यहां पर मतगणना होगी और 13 मई को नतीजे आएंगे, यानी कि वोटिंग की प्रक्रिया जो है वो 10 मई को होगी। इसमें बड़ी बातें ये हैं कि लगातार हम देख रहे हैं कि प्रधानमंत्री मोदी ने मोर्चा संभाला हुआ है और राहुल गांधी जिस तरीके से उनकी लोकसभा की सदस्यता गई है उसके बाद एक तरीके से सहानुभूति के तौर पर कांग्रेस इसको देख रही है, जिसमें तमाम विपक्षी दल एक साथ आ गए हैं। और मेरे सहयोगी अरुण भी लगातार मेरे साथ बने हुए हैं। अरुण, अब चुनावों की तारीखों का तो ऐलान हो चुका है, लेकिन अगर हम पूरे परिप्रेक्ष्य में देखें, क्योंकि जिस तरीके से राहुल गांधी की सदस्यता गई है और अब कर्नाटक में जो है एक बड़ी उम्मीद के तौर पर कांग्रेस देख रही है, क्योंकि वहां पर वापसी को बेकरार है कांग्रेस। देखिए, निश्चित रूप से कर्नाटक से कांग्रेस को बहुत ज्यादा उम्मीद है, उतनी उम्मीद उसने छत्तीसगढ़ से, राजस्थान से, मध्य प्रदेश से नहीं लगाई है। उसकी वजह यह कि उनको यह लग रहा है कि बीजेपी का जो शासन रहा है एंटी इनकम्बेंसी है, उनको ऐसा लग रहा है कि सिद्धारमैया और डीके शिवकुमार दोनों को इकट्ठा कर लिया उन्होंने, उनको ऐसा लग रहा है कि जेडीएस जो है बीजेपी का खेल बिगाड़ेगी और अगर जेडीएस उनके साथ आ जाती है, अगर थोड़ा बहुत कभी भी बेसी होगी तो जेडीएस साथ आ जाएगी। हालांकि अभी अभी राजीव शुक्ला ने यह दावा किया है कि जिस तरह से हिमाचल प्रदेश में हमने चुनाव में सामूहिक नेतृत्व में चुनाव लड़ा, वैसे ही कर्नाटक में हम सामूहिक नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे और वहां सरकार प्रचंड बहुमत की बनाएंगे। तो बीजेपी के मुकाबले कांग्रेस वहां पर ज्यादा संभावना अपनी देख रही है और बीजेपी को के जो घर में कांग्रेस सेध लगाने की कोशिश कर रही है वो ये है कि येदुरप्पा की नाराजगी, बकौल कांग्रेस, वो उसको हेल्प कर रही है। और येदुरप्पा, चूंकि उनको मुख्यमंत्री पद से हटा दिया गया था, तो कांग्रेस को ऐसा लगता है कि जो लिंगायत समुदाय के लोग हैं वो उनके पाले में आ सकते हैं, उस पर काम कर रही है पार्टी। वहां पर प्रियंका गांधी ने कमान संभाली, जिस तरह से उन्होंने हिमाचल प्रदेश की कमान संभाली थी उसी तरह से ये कहा जा रहा है कि कर्नाटक में भी उनकी देखभाल में चुनाव हो रहा है और स्थानीय मुद्दों पर स्थानीय चेहरों को आगे रख के किया जाएगा चुनाव। निश्चित रूप से कांग्रेस के जो वरिष्ठ नेता है वहां प्रचार करेंगे और कांग्रेस पार्टी ये भी मानती है कि चूंकि मल्लिकार्जुन खड़गे को, एक दलित चेहरा को पार्टी ने अध्यक्ष बनाया है, उसका फायदा कर्नाटक में उसको मिलेगा। कलबुर्गी का जो इलाका है, उस पूरे इलाके में जो हैदराबाद से सटा हुआ इलाका है, वहां